तो दोस्तों, सिर्फ हम बात करने वाले टेक महिंद्रा लिमिटेड कंपनी के Q2 FY25 के रिजल्ट्स के बारे में, जो आज हमें यहाँ पर 19 अक्टूबर को फाइनली आउट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं कि किस तरह का परफॉर्मेंस कंपनी ने हमें यहाँ पर Q2 में दिखाया है। सबसे पहले बात कर ले यहाँ पर डिविडेंड की, तो कंपनी ने आपको दिया है 15 रुपीज़ पर शेयर का एक अच्छा खासा डिविडेंड। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड डेट क्या रहेगी, 1 नवंबर, दैट मीन्स 1 नवंबर से पहले पहले अगर आपके पास शेयर है तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एंड पेमेंट जो है वो आपको 17 नवंबर या तो उसके पहले पहले आपके बैंक अकाउंट्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, फाइनली यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं ओवरऑल नंबर्स, जितने भी फिगर्स है वो रुपीज़ इन मिलियंस में, और ये है कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स। लास्ट इनकम कितना था, 13,128 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 13,150 करोड़, और इस क्वार्टर में 13,834 करोड़ का तो इनकम ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस के ऊपर इंक्रीज हुआ है। एक्सपेंसेस लास्ट ईयर 12,504 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 11,974 करोड़, इस क्वार्टर में 12,121 करोड़ के, तो खर्चे जो है वो कंपनी के हमें ईयर ऑन ईयर थोड़े से कम होते हुए बट क्वार्टरली बेसिस के ऊपर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और फाइनली अगर हम बात कर ले कंपनी के यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की, तो लास्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट था 505 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 864 करोड़, इस क्वार्टर में 1,257 करोड़ का, तो मोर देन 100% के जंप आपको कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर ईयरली बेसिस के ऊपर देखने को मिले, एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भी प्रॉफिट जो है वो काफ़ी बढ़िया है। अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर 5.59, लास्ट क्वार्टर में 9.62, और इस क्वार्टर में 14.12 के अराउंड का, तो ओवरऑल टेक महिंद्रा कंपनी के नंबर्स काफ़ी बढ़िया है। तो डेफिनेटली मंडे को आप एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हो।